अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हारिस एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट ऑफ गायनी ऑप्स। आज का हमारा टॉपिक यूट्राइन फाइब्राइड है, जिसको आम जबान में बच्चादानी की रसौली कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको लियोमायोमा कहते हैं। यूट्राइन फाइब्राइड जो है ना, एक जी बिनाइन ट्यूमर है और इस्ट्रोजन डिपेंडेंट, जो कि एक हार्मोन है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है इसकी ग्रोथ। अच्छा, अब इसके हम जो है ना टाइप्स के ऊपर जाएँ तो मेनली इसकी तीन टाइप्स हैं, उसमें सब म्यूकस टाइप है, इंट्राम्यूरल टाइप है और सबसे सब्सिडोइडल टाइप है। बेसिकली ये जो है यूट्रस की जो मायोमेट्रियम या मस्कुलर लेयर है उसका ट्यूमर होता है। तो अगर तो ये मायोमेट्रियम के अंदर ही ग्रो कर रहा है तो इसको हम इंट्राम्यूरल कह देंगे, और अगर ये जो है ना बाहर वाली लेयर की तरफ ग्रो कर रहा है तो सब म्यूकस फाइब्राइड कह देंगे, और अगर यूट्राइन कैविटी की तरफ ग्रो कर रहा है तो इसको हम सब सिरोजल फाइब्राइड कह देंगे। इसके अलावा टाइप्स भी होती हैं, जो है ना पेडंकुलेटेड होगा अगर यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम पेडंकुलेटेड टाइप कह देते हैं। ब्रॉड लिगामेंट में इसका यूट्रस के साथ कोई लिंक नहीं है, ब्रॉड लिगामेंट में भी ट्यूमर जो है ना ये ग्रो हो सकता है, लेकिन उसकी जो बहुत कम इस तरह होते हैं। ओके, अगर हम इसके अब एज ग्रुप में जाएं तो वो जो है ओवर 30 इयर्स जो है एज है, रिप्रोडक्टिव एज जो है, उसके अंदर ये ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। और अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स में जाएं तो उसमें नली पैरिटी है, ओबेसिटी है, अगर हम डाइट में जाएं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी कहते हैं होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक्स है। अगर तो फैमिली हिस्ट्री है और जो है ना आपके फैमिली के अंदर मदर को या किसी सिस्टर को फाइब्राइड की हिस्ट्री है, तो वो जो है आप जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में फाइब्राइड, यूट्राइन फाइब्राइड डेवलप हो सकता है। अच्छा, अब इसके साइन सिम्टम की तरफ जाएं कि हमें पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा हमारे पास या किस तरह पता चलेगा। पहले नंबर पे तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कोई किसी भी तरह के कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते, उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड कराया किसी भी वजह से, उसके ऊपर जो है ना एसिम्टोमेटिक फाइंडिंग हमें मिल गई कि जी यूट्राइन फाइब्राइड आपको है। अच्छा, उसके बाद जो मेन सिम्टम जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट करते हैं वो है जी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट करेगी कि जो है ना हर माह मुझे जो है माहवारी आती है लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे वो कह सकते हैं कि माहवारी अपने टाइम पे भी नहीं आती और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा किसी लड़की की शादी हुई और शादी के बाद कंसीव नहीं कर रही और अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके ऊपर जो है ना हमें पता लगता है कि कोई फाइब्राइड पड़ा हुआ है जो कि यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है और जो है ना बच्चा जो है ना इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, फिट जो है ना फर्टिलिटी पेशेंट की डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा अनीमिया के साथ पेशेंट डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि हर महीने जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पेशेंट में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होगी, फटीक और जो है ना थकावट और इस तरह के सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। अब हमारे लिए हमारे पास जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो जी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड दो तरह के हो सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल भी है, पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और ट्रांस वेजाइनल भी है, तो उसकी लोकेशन को जो है ना लोकेट करने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम MRI भी करवा सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, आप उससे इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। और अगर हम फिज़िकली पेशेंट को जो है ना चेक करें, अगर बहुत बड़ा फाइब्राइड है तो मायने के ऊपर भी पेट के हमें कोई हार्ड लंप मिल सकता है। अच्छा, साइन सिम्टम में एक और चीज़ जो है पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली इस तरह बता सकती है कि मुझे जो है पेट के निचले हिस्से में दर्द रहती है, और इसके अलावा जो है पेशेंट अगर फाइब्राइड बहुत बड़ा है तो वो जो है ना क्योंकि यूट्रस के इर्द गिर्द जो हमारे अज़ा हैं जिसमें ब्लैडर है, यूरेटर है, उसके ऊपर प्रेशर सिम्टम्स की वजह से UTI और जो है ना यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और इस तरह के जो प्रेशर सिम्टम्स जो किडनीज को इफेक्ट कर सकते हैं उसके साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारी साइन सिम्टम्स हो गए, उसके बाद इसका जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें जो है कुछ मेडिसिन हैं, पहले तो हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, अगर तो कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जिसमें लेट्स सपोज कि पेशेंट ब्लीडिंग की कंप्लेंट कर रही है तो उसमें ट्राजामीन दे सकते हैं, पेन की कंप्लेंट कर रही है तो पेन किलर्स। अच्छा, उसके अलावा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग एनालॉग्स हैं, क्योंकि ये इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है तो उसके अंदर हम जो है अगर वो देते हैं वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम करते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि ट्यूमर जो है या फाइब्राइड जो है क्योंकि उसको एस्ट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। तो ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इससे क्या होगा कि हम सर्जरी के लिए इसको रिकमेंड कर सकते हैं कि सर्जरी से पहले आपने ये ट्रीटमेंट दी, ट्यूमर थोड़ा श्रिंक हो गया और जो है ना हम सर्जरी के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ट्रीटमेंट देते रहेंगे, ट्यूमर थोड़ा श्रिंक करेगा और जब जैसे ही आप मेडिसिन मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ेंगे तो दोबारा ग्रो कर जाएगा।
और इसके अलावा जो हम अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अगर तो पेशेंट की जो है ना एज कम है और अभी जो है ना उसके पास कोई जो है ना बेबी भी नहीं है, तो फिर हमने जो है ना यूट्रस कंजर्व करनी है ताकि जो है वो कंसीव कर सके और उसके चांसेस बढ़ सकें कंसीव करने के। तो उसमें हम मायोमेक्टमी करते हैं कि हम सिर्फ जो है ना सर्जरी करके जो फाइब्रॉइड है यूट्रस में से वो रिमूव कर देते हैं। और अगर लेट्स सपोज, लेकिन इससे जो है फाइब्रॉइड दोबारा ना होने की कोई गारंटी नहीं है, दोबारा भी हो सकता है। अब दूसरे नंबर पे जो है ना हमारे पास, अगर पेशेंट की एज जो है ना, अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और एज भी उसकी ज़्यादा है और वो मेनोपॉज की तरफ जा रही है कि उसकी महावारी रुकने की एज आ रही है, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर हम जो है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी या लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, मतलब कि ऑपरेशन के ज़रिए बच्चादानी रिमूव करने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, और ताकि जो है इसके जो है ना रिकरेंस के चांसेस भी ख़त्म हो जाए और यूट्रस रिमूव हो जाएगी तो पेशेंट के सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और एक थर्ड नंबर पे आजकल जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है हम फाइब्रॉइड की, उसको कट ऑफ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फाइब्रॉइड जो है श्रिंक कर जाएगा और जो है ना पेशेंट के सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। हिस्टेक्टमी और मायोमेक्टमी इज़ अ कॉमन प्रोसीजर।